हेलो दोस्तों, आपका स्वागत है आपके अपने चैनल टॉप से और टूबी में। आज हम डिस्कस करने वाले आईआरकॉन इंटरनेशनल लिमिटेड, इस स्टॉक के अंदर आज के दिन 17 रुपए की गिरावट देखने को मिली है और ये स्टॉक 6% से भी ऊपर की गिरावट दिखा चुका है। स्टॉक करंट लेवल पर 269 रुपए पर ट्रेड कर रहा है। आज के दिन इस स्टॉक के अंदर एक बड़ी गिरावट देखने को मिल रही है। गिरावट का जो सबसे बड़ा कारण है ग्लोबल बाजार में एक गिरावट, उसे देखकर भारतीय बाजार में भी आज के दिन ऊपरी लेवल पर एक सेलिंग प्रेशर देखने को मिल रहा है। अगर हम निफ्टी 50 की बात करें तो लगभग उसमें 700 अंकों की गिरावट देखने को मिल चुकी है। हम इस वीडियो में ये डिस्कस करेंगे कि इस स्टॉक में फ्यूचर में क्या टारगेट बनते हुए नजर आ रहे हैं और हमें स्टॉप लॉस कहाँ पर ट्रेड करके रखना चाहिए। स्टॉक का चार्ट पैटर्न देखें तो इस स्टॉक में ऊपर में एक रुकावट रेंज है 301 रुपीज पर। 301 रुपीज पर इस पॉइंट पर स्टॉक में एक रुकावट रेंज है। नीचे में जो अभी स्टॉक में एक अहम सपोर्ट लेवल है 265 रुपीज पर, जो कि आज के दिन स्टॉक में इस प्राइस को रिटेस्ट करने के बाद निचले लेवल पर एक रिकवरी आती हुई नजर आ रही है। स्टॉक काफी समय से एक रेंज बोन में भी ट्रेड कर रहा था, जहां पर ऊपर में 300 रुपीज पर स्टॉक के अंदर एक रुकावट रेंज है और नीचे में अब जो स्टॉक में फ्रेश सपोर्ट लेवल है वो 265 रुपीज पर है। अगर स्टॉक इस प्राइस को ब्रेक डाउन करता है तो वहां पर स्टॉक में और बड़ी गिरावट भी देखने को मिल सकती है। तो अगर आप इस स्टॉक के अंदर एक पोजीशन बनाना चाहते हैं तो नीचे में 265 रुपीज का इस पॉइंट पर एक स्टॉप लॉस ट्रेड करें। ऊपर के टारगेट अराउंड 300 रुपीज के लिए आप इस स्टॉक को होल्ड करके रख सकते हैं। स्टॉक के अंदर एक बड़ी तेजी जब ही देखने को मिलेगी जब स्टॉक ऊपर में 300 रुपीज के प्राइस को ब्रेकआउट देकर ऊपर एक क्लोजिंग बनाने में सफल होता है। जब तक स्टॉक ऊपर में इस प्राइस को ब्रेकआउट नहीं देता ऊपरी लेवल पर एक करेक्शन देखने को मिलेगा। ये वीडियो अच्छा लगे तो चैनल को लाइक सब्सक्राइब करें।